नवरात्रि के आखिरी दिन ऐसे करें माँ सिद्धिदात्री का पूजन, मिलेगा आपको वरदान। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन रिचुअल्स पे। जहाँ पे हम आपको पौराणिक कथाओं और धार्मिक कथाओं के बारे में बताते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। इनकी पूजा और उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नौमी के दिन अगर इन्हीं देवी की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को सभी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प उनको अर्पित करने चाहिए। साथ ही इस दिन देवी को शहद अर्पित करना चाहिए और ओम सिद्धिदात्री देव्याय नमः का जाप करना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कैसे करें माँ सिद्धिदात्री की पूजा। माँ के समक्ष सबसे पहले दिया जलाएं, माँ को नौ कमल के या लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद माँ को नौ तरह के खाद्य पदार्थ भी अर्पित करें। अर्पित किए हुए फूल को लाल वस्त्र से लपेट कर रखें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से कैसे वरदान मिल सकता है। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री के अंदर सभी देवियाँ समाहित हैं। अगर नवरात्रि में केवल इन्हीं की पूजा कर ली जाए तो संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाता है। इनकी पूजा से अपार वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी उपासना से व्यक्ति को समस्त सिद्धियाँ भी मिल जाती हैं। माँ के स्वरूप की उपासना करने से व्यक्ति ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकता है। नौमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है। नौमी के दिन पहले पूजा करें फिर हवन करें। हवन सामग्री में जौ और काला तिल मिलाएं। इसके बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे किस लाभ के लिए किस चीज से हवन करें। यदि आप आर्थिक लाभ चाहते हैं तो मखाने और खीर से हवन करें। यदि आप कर्ज से मुक्ति के लिए हवन करना चाहते हैं तो राई से हवन करें। यदि आप संतान संबंधी समस्याओं के लिए हवन करना चाहते हैं तो माखन मिश्री से हवन करें। यदि आप ग्रह शांति के लिए हवन चाहते हैं तो काले तिल से हवन करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया कि नवरात्रि के आखिरी दिन कैसे करें माँ सिद्धिदात्री की पूजा। हम आशा करते हैं कि माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद आप पे बना रहे और आपका जीवन मंगलमय हो। दोस्तों हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को जिसका नाम है इंडियन रिचुअल्स। इसे सब्सक्राइब करें और माँ का आशीर्वाद पाएं। जय माता दी। दोस्तों।